नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SSC एग्जाम प्रिपरेशन में। देखिए, हमें कुछ क्वेश्चंस मिले हैं जिसे हमें लवली, वीनो और अनुराग सोनी ने भेजा है। उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि ये आज के मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चंस थे, तो जल्दी से हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे। और इसके पहले भी हम कुछ क्वेश्चंस को अपलोड कर चुके हैं जो कि आज पूछे गए थे। और अगर आपके पास भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि और भी स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक CI के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। कह रहा है 1000 रुपये का 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, बहुत ही सिंपल है। कह रहा है 1000 रुपये है, उसका 10% की दर से आपको 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो इसमें आपको करने क्या होंगे, सीधे 1000 रुपये का हम 10% निकाल लेंगे। 3 ईयर का ऐसे ही लगातार इंटरेस्ट निकालेंगे। 1000 रुपये का 10% निकाला तो आपका हो गया 100। इसे हमने माना फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। फिर से इसे हमने 10% निकाला। इसी तरह की से हम 3 बार करेंगे, बिकॉज 3 ईयर्स का पूछ रहा है तो ये फिर से 10 हो गया। एंड फिर से 10% निकालेंगे तो ये हमारा हो गया 10%। 10 का 10% निकाला तो 1, ये हमारा आ गया 3 ईयर्स का। उसके बाद हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, अगर आपको बोल रखा है 3 वर्ष का तो आपको बस एक रेशियो याद रखना है, 3:3:3:1। अगर 2 ईयर्स का पूछता तो 2:1, अगर 4 ईयर्स का पूछता तो 4:6:4:1। बट आपसे पूछा है 3 ईयर्स का तो आपको कौन सा रेशियो करना है, तो 3:3:1। अब आपको क्या करना है, सारे फर्स्ट ईयर जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का हमने आपको इंटरेस्ट निकाला उसे आप इसमें पुट कर दो। कैसे पुट करना है, अगर 3:3:1 बोल रखा है तो फर्स्ट ईयर का सबसे पहले ले लो 100, कर लो 3 × 100 प्लस फिर से सेकेंड ईयर का लेंगे तो 3 × 10 प्लस फर्स्ट ईयर का लिया तो 1 × 1। अब हमने इसे ऐड कर लिया तो 300 + 30 + 1, तो ये 331 हमारा 3 ईयर्स का CI हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आपका ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है एक रेलगाड़ी की लंबाई 650 मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई 450 मीटर हो, तो रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करने में 36 सेकेंड का समय लेती है, तो ट्रेन की लंबाई आपसे पूछ रहा है किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करें। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमें देखना है कि आपको बात कर रहा है एक प्लेटफॉर्म की। इस तरीके से हमारा एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे बोल रखा है कि इसके ऊपर से एक हमारा रेलगाड़ी क्रॉस कर रहा है जिसकी लंबाई आपको दे रखा है 650 मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई है 450 मीटर। बोल रखा है कि इसे क्रॉस करने में इसे 36 सेकेंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी आपके इस तरीके से क्रॉस करेगी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे तो क्रॉस कर रही है आपके इनिशियल से, बट क्रॉस कर रही है आपके फाइनल तक, तो ये जो हमारा ट्रेन का लंबाई भी है ये भी तो उसे क्रॉस करने के बीच में ही लग जाते हैं। यानी कि डिस्टेंस की अगर बात करें तो डिस्टेंस हमारा इसमें कितना लगता है, ये इंटर किया यहाँ से बट गया यहाँ तक, यानी 650, ये हमारे ट्रेन के डिस्टेंस भी ऐड हो जाएंगे प्लस 450, इस तरीके से हमारा डिस्टेंस हो गया कितना, तो 0, 5, 5, 10, 7, 6, 4, 10, 1, 11, 1100 मीटर हो गया। और टाइम आपको दे रखा है कि 36 सेकेंड लगते हैं, तो आपसे पूछ रहा है स्पीड, तो स्पीड इक्वल टू होता है क्या, तो डिस्टेंस बाई टाइम, तो 1100/36। अब आपसे बोल रखा है हमसे किलोमीटर पर आवर में, यहाँ पे आपका आ गया मीटर पर सेकेंड में, तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हमारा हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया 18 × 2, 36, 5 से इसे किया तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो 220। इसे 1 टाइम्स करेंगे तो ये हमारा टोटली हमारा क्या हो गया, तो 110, तो हमारा आ गया 110 km/h की स्पीड से चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आपका क्वेश्चन मिक्सचर से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहे हैं 2 समान मात्रा वाले बर्तन में दूध तथा पानी के मिश्रण 100 और 100 लीटर हैं। पहले बर्तन में दूध तथा पानी का रेशियो 2:3 तथा दूसरे बर्तन में 1:5 है, दोनों मिश्रण को तीसरे बर्तन में मिला दिया जाए तो दूध पानी का अनुपात ज्ञात करें। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने का हमारे 2 तरीके होते हैं। सबसे पहले तो आपका जो दिया गया है मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया गया है, ए 2 बर्तन है हमारे पास, हमने माना एक बर्तन ए है दूसरा बी है, तो एक में हमारा मिल्क का रेशियो है 2:3, दूसरे में मिल्क एंड वाटर का रेशियो है 1:5। अब इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, आप इसे देख लो कि हमारे इसमें टोटल अगर 2 यूनिट मिल्क हो एंड 3 यूनिट वाटर हो, यानी कि टोटल कितने हमारे पास हो गए, तो 5 यूनिट हो गए हमारे पास टोटल। अगर बात करें तो टोटल हमारे उस बर्तन की धारिता कितनी हो गई, यानी कि कितनी उसकी कैपेसिटी है, तो 5। और सेकेंड की बात करें तो 1 यूनिट मिल्क है एंड 5 यूनिट वाटर है, तो इसकी हो गई 6। अब आपको क्या करना है, बिकॉज आपसे बोल रखा है कि दोनों बर्तन की मात्रा समान है, तो आपको दोनों बर्तन की मात्रा समान करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मैं आपको
पहले में आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दूसरे में 5 से, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 12:18 एंड नीचे हमारा हो जाएगा 5:25। अब आप देखो तो ये दोनों सेम हो गए। अब हमसे पूछ रहा है नए मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो, तो अब आप इन दोनों को ऐड कर लो, वही हमारा हो जाएगा मिल्क एंड वाटर का रेशियो। तो कितना हो गया, नए मिश्रण हमने माना कि नए बर्तन हमने सी में डाला, तो 17:53 आ गया, 17:43 आपके हो गए। अगर दूसरे, हम इसके दूसरे तरीके की बात करें, तो दूसरे तरीके हमारे क्या है कि अगर आपसे बोल रखा है पहले में 2:3 है, दूसरे में 1:5 है, तो आप निकाल लो कि पहले में अगर 2 यूनिट हमारा मिल्क है और टोटल हमारा बर्तन है तो 5 यूनिट, तो 2/5 प्लस दूसरे की भी आप इसी तरीके से निकाल लोगे तो 1/6। रेशियो आप वाटर का निकाल लोगे तो 3/5 5/6। अब आप इसे सॉल्व कर लो, जो आंसर आ जाएगा वही रेशियो हो जाएगा। तो एलसीएम लिया 30, तो ये हो गया 12+5 रेशियो, फिर से इधर किया, ये आपका प्लस है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 30 लिया तो 18+25, तो ये हमारा हो गया 17:43। दोनों तरीके से करोगे तो आपका सेम ही आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि सिरों की संख्या 28 हो तथा पैरों की संख्या 96 हो, तो गाय तथा मुर्गों की संख्या ज्ञात करें। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए हमें करना है क्या, अगर आपसे बोल रखा है गाय तथा मुर्गों की संख्या आपको ज्ञात करनी है, तो आपको पता होगा गाय, गाय के कितने पैर होते हैं, तो 4 पैर होते हैं, मुर्गों की कितनी होती है, तो 2 होती है। अब आपसे पूछ रहा है कि गाय तथा मुर्गों की संख्या ज्ञात करना है, तो आप यहाँ से इधर काऊ लिख लो, इधर हमारा हो गया काऊ एंड इधर हमारा हो गया कॉक मुर्गे। अब कह रहा है सिरों की संख्या 28 है और पैरों की संख्या 96, तो अगर सिरों की संख्या 28 है, तो हम मान लेते हैं कि अगर हमारे पास टोटल गाय ही है तो कितने सिर हो जाएंगे, तो 112, और अगर हमारे पास टोटल हमारे पास मुर्गे हो जाएंगे तो कितने सिर हो जाएंगे, 56, इतने हमारे पैर हो जाएंगे। गाय के कितने पैर हो गए, तो 112 अगर टोटल गाय रहे तो, और अगर टोटल मुर्गे रहते तो 56, बट आपको बोल रखा है कि टोटल पैर की संख्या कितना है, तो 96, तो हम इसे एलिगेट कर देंगे, बीच में 96 रखेंगे, एलिगेट किया तो 96 माइनस 56 किया तो 40, एंड 112 माइनस 96 करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 16। अब आप इन दोनों का रेशियो निकाल लो, हमारे पास गाय तथा मुर्गों की संख्या यहीं से आ जाएगी, रेशियो हमारा कितना हो गया, तो 10:5:2, 10:8 यानी कि 5:2 हमारा हो जाएंगे। हमारे पास मुर्गों की संख्या कितनी हो गई, मुर्गों की हमारे पास आ गई 5 यूनिट एंड हमारे गाय 5 यूनिट एंड मुर्गे 2 यूनिट। आपसे पूछ रहा है गाय तथा मुर्गों की संख्या, तो अगर 5 यूनिट हमारे गाय हैं और 2 यूनिट मुर्गे हैं, तो हमारे पास सिर टोटल कितने हो गए, तो 7, बट आपका क्वेश्चन कर रहा है कि सिर टोटल 28 है, यानी कि 7 यूनिट हमारे बराबर है किसके, तो 28 के, तो आप यहाँ से गाय निकाल सकते हो, 5 यूनिट बराबर कितने हो गए, तो 28 × 5/7, तो ये हमारे हो गए 20, और अगर मुर्गे की बात करें तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 28 × 2/7, तो ये हमारे हो गए कितने, तो 8, तो हमारे हो गए गाय 20 एंड मुर्गे 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपका सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, कह रहा है 54 × 26 इस तरीके से आपको दिया गया है, तो आपको इसमें करने क्या है, आपको बॉडमास का रूल पता है, सबसे पहले आपको ब्रैकेट का काम करना है, तो यहाँ पे हमने किया तो 54 को ज्यों का त्यों छोड़ दिया, फिर 27 एंड फिर 8, फिर 64/8, ये हमारा हो गया 8 × 6 − 7 × 7 हो गया 49 49 − 1 48। अब इसी तरीके से ये हमने कर दिया, तो 48 × 6 48 − 48, ये तो ऐसे ही जीरो हो गया। अब जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, तो हमारा आंसर हो गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 से 100 तक कुल कितने पाँच आएंगे। अब इसे कैसे हम करेंगे, तो ये आपको बहुत ही ईजी, इसमें आपको करने क्या है, आप यहाँ पे देख लो, तो 1 से हम बात करें तो अगर 1 से 9 तक की बात करते हो तो यहाँ पे कितने पाँच आएंगे, तो 1 आएंगे। इसी तरीके से यही सिलसिला आपका 10 से लेके 19 तक चलेगा, उसी तरीके से चलते रहेगा आपका। टोटल अगर हम बात करें 5 को बीच में छोड़ दें और बात करें कितने तक, तो 90 टू 100 तक बात करें तो टोटल हमारा इसी तरीके से 111 चलते रहेगा, इसी तरीके से सारे में, बस हमने बीच में छोड़ा क्या है, तो 50 टू 59, बिकॉज इतने तक में हमारे 10 5 अलग से होते हैं, तो यहाँ तक हमारे 1 से लेके 90 तक कुल कितने हमारे 5 हो गए, तो इस तरीके से किया तो 111 इस तरीके से गया, तो 9। अब टोटल अगर 5 की बात करें तो 10 + 9 यानी कि 19 हो गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, कह रहा है 4, 1, 16, 9, 36, 25, 64, 49 एंड व्हाट। तो यहाँ पे आपको एक टर्म मिसिंग है, इसे हमें फाइंड आउट करना है। तो सीरीज़ में हमारे होते क्या है कि हमें देखना होता है कि सारे कौन से रूल पे चल रहे हैं। ये रूल आपका कुछ भी होता है, डिफरेंस भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, डिवाइडेशन भी, स्क्वायर भी एंड क्यूब भी। अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि हमारा कौन सा रूल लगता है। तो देखने से तो सारे आपको लग रहे हैं कि ये स्क्वायर हैं, तो आप सबसे पहले क्या करो कि देख लो सारे किस किस चीज़ के स्क्वायर है। तो 4 की बात किया जाए तो 2, फिर 1, फिर 4, फिर 3 एंड फिर 6, फिर 5। इसी तरीके से 64 हमारा किसका, 8 का स्क्वायर हो गया, एंड 49 7 का स्क्वायर। तो ये हमारे चल किस तरीके से रहे, एक बार 1, 2 लिया, फिर 3, 4 लिया, फिर 5, 6 लिया, फिर 7, 8 लिया। नेक्स्ट हम लेंगे 9, 10, बट आपको ध्यान रखना है बड़े वालों को पहले ले रहा है, तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर यानी कि 100। तो हमारा इसका आंसर हो गया कितना, तो 100। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।